दोस्तों आप कैड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करते हैं? आपका कैड डिजाइन में पैशन है इसलिए, या फिर आपने कहीं पर सुना होता है कि कैड कोर्सेज करके जॉब मिल जाएगा इसलिए? दोनों ही केस में आप डिजाइन फील्ड में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे और दोनों ही केस में आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। मैं आपको एक तीसरा एंगल देता हूँ कि आप कैसे डिजाइन फील्ड में जॉब करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों मैं आलोक ससानी, डिजाइन सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। पिछले 12 सालों से लगभग 30,000 स्टूडेंट को मैंने डिजाइन इंडस्ट्री के लिए स्किल अप किया है और डिजाइन इंडस्ट्री में कैसे एंट्री करना चाहिए इसका गाइडेंस भी दिया है। पर्सनली मैं स्टूडेंट की मदद करके उनको इतना कॉन्फिडेंस देता हूँ कि वह डिजाइन इंजीनियर बन के लाखों की सैलरी कमा सकते हैं। जिन लोगों का डिजाइन में पैशन होता है वह लोग इनोवेशन इन डिजाइन का पर्सपेक्टिव रखते हैं। इन जैसे डिजाइन इंजीनियर की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वह डोंकी वर्क नहीं करना चाहते, मतलब मोटा मोटी कोई भी मैनेजमेंट का वर्क उनको पसंद नहीं आता है। अगर आपका डिजाइन में पैशन है तो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब ढूंढना चाहिए। R&D डिपार्टमेंट में आप फुल टाइम इनोवेशन करने के लिए काम करते हैं। इसमें आपको कोई भी मैनेजमेंट का वर्क नहीं करना पड़ता। आपको जो भी इनोवेशन करने के लिए चाहिए वो सारा सपोर्ट मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करती है। जिन लोगों का सिर्फ जॉब पाने के लिए डिजाइन के कोर्सेज करते हैं उन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि उनका लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता है, जिसके कारण वो डिजाइन में काम नहीं कर सकते। डिजाइन में काम करने के लिए आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ता है। आपको चारों तरफ से दुनिया के डिजाइन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है इसका अपडेट रखना पड़ता है। लर्निंग एटीट्यूड नहीं होने की वजह से आपका प्रमोशन नहीं होता और थोड़े टाइम के बाद आप अपनी जॉब से इतने परेशान हो जाते हैं कि आपको जॉब छोड़ना पड़ता है। आपको अगर डिजाइन में जॉब करना है तो आपके पास 3 महत्वपूर्ण क्वालिटी होनी चाहिए। पहली है सॉफ्ट स्किल, दूसरी है हार्ड स्किल और तीसरी है कॉर्पोरेट बिहेवियर स्किल। यह तीनों स्किल की वजह से ही आप डिजाइन का वर्क और मैनेजमेंट का वर्क दोनों एक साथ कर सकते हैं। ये तीनों क्वालिटी जिसके पास आ जाती हैं, वह अपने जॉब में बहुत एंजॉय करते हैं और लाइफ टाइम प्रमोशन पाकर अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। दोस्तों ये तीनों स्किल इस कोर्स में आपको सीखने को मिलने वाला है। कुछ ऐसे स्किल होते हैं जो आप 1 से 2 दिन में सीख जाते हैं, कुछ ऐसे स्किल होते हैं जिसको प्रैक्टिस करके ही सीखा जा सकता है। जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कहते हैं, जितना जल्दी आप सीखना चालू करेंगे उतना ही जल्दी आप उसमें माहिर होते जाएंगे।